अभी चल रहे हैं गुड़गांव, छोटा मोटा काम है वो निपटा के आते हैं। आज थोड़ा सा छुट्टी मिला ऑफिस से, मैम ने कहा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए इसका, कुछ भाई लोग अपने को अपडेट कर देंगे, मज़ा आएगा। बाकी लाइफ चल रही है, मज़ा आ रहा है, कीप वॉचिंग आई एम भी। पोटी दो के आती है हाय हाय चीची फूफू, क्या वो दुआई? हाँ किसकी जी गंदा नाम है। बेबी, छोटे बेबी हैं दो और अभी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं तो हमें करना पड़ता है। बेबी लोग नहीं चल रहे हैं क्योंकि तंग हो जाएंगे, हमें सिर्फ जाना है, छोटा मोटा काम निपटाना है और वापस आना है, तो उनको नहीं लेके जा रहे हैं। तुम चला रही हो? हाँ, अब मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पे विश्वास नहीं रहा। क्यों है? क्यों तुम आजकल बाइक चलाते, तुम्हें भूल गए होगे गाड़ी चलाना। ये अच्छी बात है यार, गाड़ी चिन गई हमारी तो। ए थम जा, मैं भी आ रहा हूँ। अब इनका ये कहना है कि क्योंकि तुमने बाइक ले ली है तो तुम बाइक चलाया करो और तुम्हारा गाड़ी से कोई मतलब नहीं, गाड़ी छिन चुकी है अपनी। मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप ये गाड़ी रखो और मुझे अपना एक नई एंडेवर दिलवा दो। है बट ऐसा कुछ अभी होने वाला नहीं है नियर फ्यूचर, क्योंकि लास्ट 3-4-5-6 महीने में काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं, तो उसके चलते एंडेवर छोड़ो, एंडेवर के टायर खरीदने के पैसे नहीं फिलहाल। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो एक बार हमारे लिए मिठाई लेके आए थे तो उनका जो डब्बा है वो रह गया था हमारे पास, वो हम वापस देने जा रहे हैं और प्रॉब्लम ही होगी कि डब्बा हम घर भूल गए हैं। धीरे चला लो यार, मेरे को डर लग रहा है। मैं भी ऐसे ही कहा करती थी। ओ भाई साहब, मैम ने गाड़ी ले ली है बट इसको साफ सूफ नहीं करती, इसको धुलवाते धुलवाते नहीं है। क्या भाई, ठीक है अपना जैसी है वैसी चलाओ, अगर कोई इनकी कुड़ देख ले तो यूँ लगता है कि भाई साहब कितनी कोई 40-50 साल पुरानी गाड़ी है, और अभी अभी थोड़ी थोड़ी जब से मैडम यूज़ करने लगी ऐसी लगने लगी है। कीप वॉचिंग आई एम भी। एक लाइन आती है, उसे बोलती रहती हूँ। उधर जाओ नीचे, मैं खराब पैसेंजर लेके गाड़ी नहीं चला रही हूँ, उतरो नीचे। बार बार रोको, ऐसे करो वैसे करो, इतनी लिमिटेशन है तो उतरो। नाराज हो गई। मैंने कहा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, अभी मैंने कहा थोड़ा धीरे कर, थोड़ा साइड पे कर, तो एकदम साइड पे लाके ब्रेक मारी, टायर घिसटा दिए मेरे, वैसे गंजे टायर हैं। भाई साहब ऐसा है, इससे बेटर तो मैं ही चला लूँ ना तो ठीक है। वो कहते इतना खौफ बिठा दिया ना, ओए हाय फंस गया, घबराहट हो रही थी यार मेरे को ना कंटिन्यूस। एक तो थोड़ा ऐसे 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 चलाती है जैसे पुराने पिक्चर में नहीं चलाते ट्रक चलाते थे, वैसे थक गई ना खुद, मेरे बहाने से रोकी है ना, खुद थक गई ना। तुमसे अच्छा चलाते हो पता है ना, गड्ढों में टपाक 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 करके चलाते हो, और मैं मतलब इतना एक गड्ढा नहीं लगने लिया। भाई कमेंट सेक्शन में बताना कौन बढ़िया गाड़ी चलाता है। अब वो बैठे थोड़ी है। मैडम की जितनी उम्र है ना उतना टाइम हो गया मैं गाड़ी चलाते हुए, 6th क्लास से गाड़ी चला रहा हूँ। क्या जो पैदा हो जी तुम, मैंने गाड़ी चलाई शुरू की। चलो हाँ, तो गाइस अभी बेसिकली मैं अपने फ्रेंड के घर आया था, सुनील हैं डॉक्टर साहब मेरे फ्रेंड। ये एक फॉर्चुनर वो खड़ी है, एक ये फॉर्चुनर इनकी है, भाभी जी अंदर कर रही है, एक ये टमटम मर्सिडीज बेंज, कौन सी E220 ना, E220। भाई साहब इसमें बैठने के लिए तो मक्खन जैसा शरीर होना चाहिए। उंगली आ जाती है आपकी? नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ तो पहचाना? हाय ये डॉक्टर सुनील हैं। अब ये कहोगे डॉक्टर पे कितना पैसा आ रहा है, भाई बचाया हुआ पैसा है, ऐसा नहीं ऊपर से बरस रहा, मेहनत का पैसा है।
ये हैं भाभी जी, ये हैं डॉक्टर सुनील, और जो आपने एक मैंने वीडियो बनाया था फॉर्चुनर का, जिसमें कंपैरिजन किया था दो पुरानी फॉर्चुनर नई फॉर्चुनर दोनों इनके पास, और ये गाड़ी है बेसिकली भाभी जी की, चला ये रहे हैं। इनको बर्थडे पे गिफ्ट मिली, बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी, मिली नहीं थी इनको, इन्होंने दी थी। बर्थडे गिफ्ट होता है, ऐसे गिफ्ट होते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं भी दे दूंगा, रुक जा। ये अभी जब जब इस गाड़ी से बोर हो जाएंगे ना ये 15 साल बाद तो ये लेके मैडम को दे दूंगा। हाँ ये वाला मैं मैम को गिफ्ट करूँगा, ठीक है बाबू जी, ओके ना, चलेगा ना? ओके ओके, डन है, डन है, अभी ले जाओ आप। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, 15 साल बाद। नहीं नहीं भैया 15 साल नहीं, चलो 14 साल बाद, एक साल तो अभी हो गया ना, हो गया ना एक साल, तो एक साल हो। हाँ ला बता, आगे भी सेंसर लगा रखे हैं। अभी क्राउन प्लाजा जा रहे हैं, ये बता रहे हैं वहाँ की कुकीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ से हमें कुकीज़ दिला के ला रहे हैं। इनको पुम्बा और रसू बहुत पसंद है, उसके लिए उन दोनों के लिए कुकीज़ लेने जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है वैसे, रईसी वाली फीलिंग सबसे। वैसे इसका ना रूफ टॉप लग रहा है, मतलब बाकी तो चलाने का, तो चलाने वालों का वो होता है। हाँ जो सनरूफ है ये। हाँ बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ कहते रहो, रईसी वाली फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग आप हर हफ्ते आओ और लो। नहीं मैं ले के नहीं चला जाओ, रोज ले। पता है इन गाड़ियों में थोड़ा ये टेंशन रहता है यार, संभाल के चलानी पड़ती बहुत ज्यादा, मेरे को वो चीज मेरे बस की नहीं है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा बहुत ज्यादा ना, बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है इसको। अभी ध्यान आया कि यार गुड़गांव के अंदर घूम रहे और हमने मास्क नहीं पहन रखा, तो सिंपल आईडी उन्होंने पहन लिया, बाकी ने पहन लिया अपने पास एक सिंपल तरीके, जैसे पुलिस वाला है भाई। इसमें मत चढ़ाओ, मरवाओ। कह रहे दिस इज माय सेकंड होम, मैंने कैमरा सामने कर दिया, मैं कहा बोलो। क्राउन क्राउन प्लाजा। हाँ क्राउन प्लाजा, सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 29 क्राउन प्लाजा, सेक्टर 29 में। लास्ट टाइम जब आए थे भाई साहब के साथ यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ भड़ाका था, हमने इधर बैठ के कॉफ़ी पी रहे, अभी बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। नाइस पेट दिया करो उन्होंने सभी का, मतलब 5-star होटल हो, कहीं मॉल हो। ये हमारी बार है जो बंद है। तो ले लिए है कुकीज़, ये अपनी बार दिखा रहे हैं, ये वाला इनका जहाँ पे बैठते हैं बार है, फिलहाल आजकल बार बंद है। जिम तो मेरे ख्याल कुछ कुछ जिम तो खुल गए हैं, बाकी तो बंद है मोस्टली, खुलते हैं। कैमरा कैमरा नहीं, फोटोग्राफर अच्छा होना चाहिए, फोटोग्राफर बहुत अच्छी यार। हाँ तो वो फिर कैमरा कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये इसको मार्शल को पीछे रख, ये ना एक्चुअल में गाने सुन रहा है। ये ना पकड़ने ना मैडम, तो मैंने पकड़ लिया बेसिकली ना, अपने लिए तो यही सीट बढ़िया है। आज पता लग रहा है भाई साहब क्यों पीछे, मतलब लोग ड्राइवर क्यों रखते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी फीस बहुत महंगी है, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, उतरते लूंगा 1000 रुपया। नहीं मतलब मर्सिडीज में लोग पीछे क्यों बैठते हैं ये फील हो रहा है, पीछे वाला ज्यादा वो कंफर्टेबल है क्यों मैडम? पहले ना मैं सोचती थी कि मतलब एक टोपी ओपी पहन के ड्राइवर हो और एक काली सी जैगुआर हो। हाँ तो अपने करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? मतलब उम्र तो जवानी की होती, बुढ़ापे में क्या अच्छी लगती है जी? बुढ़ापे में अच्छी लगती है। संसार का सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख निरोगी का है। हाँ वो है नहीं अपनी। अब ये जो आवाज़ आ रही है ये थोड़ा सा क्या रेडियो चला रखा है क्या? नहीं नहीं वो एसी का थोड़ा फैन स्पीड में कर रखा है। अच्छा वो कर रखा है, ये एकदम है ना तेज आवाज़ आई है तो एक सूडो फीलिंग सी भी होती है, हाँ ठंडा कर रही हूँ। कर रही है नहीं कर रही मालूम नहीं, बट फीलिंग आती है कि हाँ ठंडा कर रही हूँ, फट गई। हाँ सही में मेरे को एसी में आवाज़ ज़्यादा आती है। हाँ आवाज़ ज़्यादा आती है तो ये लगता है हाँ ठंडक हो रही है, वैसे कौन आ रही हो। हाँ तो काफ़ी मज़ा आया मर्सिडीज़ की राइड करके, आगे भी बैठ के देखा पीछे भी बैठ के देखा, दिल को भाग गई, पता नहीं मूड ख़राब हो गया तो वो कहते हैं फिर से आ गई। निकाल रहे हैं भाभी जी ड्राइव, ये कर रहे हैं ना, इनको थोड़ी सी गाड़ी कम आती है, ये बैक कर रही है। लेडी ड्राइवर से हमेशा दूर रहना चाहिए,
पता नहीं कब चढ़ा दे। चलो अपनी निकालते हैं टमटम और फिर जो काम है वो निपटाते हैं, उसके बाद में वापसी चलेंगे तो आपसे बाय बाय बोलेंगे। हेलो 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 करो यूवी, कहो तो अभी बच्चे ले जाते हैं, तीन को आके ले जाना। अरे नहीं क्लास है ना। अभी क्या हमारा, हमें पता नहीं था कि इधर भी आने का प्रोग्राम बन सकता है, तो फिर बच्चे को लेके नहीं आए, तो इनको लेके आते। देखो चुनू मुन एक है हमारे साथ, मेरे भतीजे हैं दोनों। वो आप मानी गए, वो मोरनी हिल, वैसे मोरनी हिल जैसा यहाँ बना हुआ है, ड्राइव वे 5 किलोमीटर का, शाम को बाइकर जाते हैं डेविडसन वगैरह लेके सारी। चलो नेक्स्ट टाइम चलेंगे उधर, बच्चों को लेके आएंगे। ठीक है ठीक है जी, बाय 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 बाय। मेरा फोन तुम्हारे पास है क्या? नहीं। कहाँ है? मैडम का फोन सबसे ज्यादा बजता है और मैम अपना फोन रख के ऊपर से जाके मैं नहीं जा रही, ला दो प्लीज, भूल जाती है। भाभी जी को बोलो, भाभी जी को बोल दो। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ चलो लेके आता हूँ। फोन क्यों भूल जाती है मैम अपना, पकड़ो मैं चक्कर कटा सकूं, मेहनत करा सकूं। सो गाइस ज्यादा कुछ शूट करने को था नहीं और ज्यादा कुछ दिखाने को भी नहीं था, तो बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग मेरी तरफ से और की वॉचिंग की तरफ से। शाम के बज चुके हैं 6:43, 5:20 पे चले थे गुड़गांव से, लगभग 1.5 घंटा लग गया सोनीपत तक का और अच्छा सफ़र था। बीच बीच में ना कैम्प पे टूटी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, ना काफ़ी ज़्यादा टूटी पड़ी है, बीच में जो ब्रेकर आता है जंप आता है उस पर। नथिंग एल्स टू से, वेल गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स टू केयर लाइक कबड्डी भूल गया। Do like, comment and share and that would be all from my side. Love you. Bye-bye. Keep watching IMB. Keep watching IMB. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the...